अतिशय गलिच्छ. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कर्ज मी तिथे असेन तर मी किंवा मी इथे असलेल्या प्रत्येक मुलांना किंवा मुलींना सुद्धा की त्यांनी जे जर हे बघत असतील त्यावेळी त्यांनी तिथे हस्तक्षेप म्हणजे मुस्काट फोडा, हात तोडा, हरकत नाही आहे, काही हरकत नाही आहे, नंतर त्याचे बी आपल्याला उत्तरं देता येतील. कारण अशा प्रकारचा ही माझ्या देशाची संस्कृती नाही आहे. असल्या ह्या घणेरड्या प्रकाराने कोणी काही करत असेल तर त्याला तिथल्या तिथे चेचायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीच्यासाठी लवकर सगळ्या गोष्टींचे जे तुमच्या कोर्टामधले निर्णय आहेत ना ते निदान एक 4-6 महिन्यामध्ये लागले ना आणि त्यांना शिक्षा झाल्या तर ह्याच्यावर काहीतरी होऊ शकेल. ते प्रलंबित होत राहिले तर त्यांनी काही होणार नाही आणि त्याला कुठलेही राजकीय स्वरूप देता कामा नाही. उनके बारे में आप चिल्ला के बोलो पहले, वो साथ में एक सामूहिक निर्भत्सना उनकी करो तुम. बिल्कुल, जो बोलते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं की इज्जत देश नहीं करेगा तो हमारा देश कोई गर्व करने का अधिकार नहीं है. ना महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी बार बार जब भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल महिलाओं के पहनावे पे उठाया जाता है. क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बयानबाजी ये पहले भी तो था, तब नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ खोट मेरी सोच में है, तुम्हारी कपड़े में नहीं है. तो मुझे अपने को सुधारना होगा. और ये बिल्कुल सही कहा प्रसन्न ने कि वो कब उनको जो डंडे पड़ेंगे ना, पहले जो हमारे वक्त पढ़ते थे यार, या आजकल डंडे नहीं है, इमीडिएट तुम्हारे ये आते हैं कौन अपने सवाल पूछने को मानवाधिकार वाले जो इनको मारा. अरे यार आयोग क्या, अभी हमारी बच्ची को बहन को अगर ऐसे ये करेंगे तो मैंने कहा ना कि मैं तो सर तोड़ दूंगा यार, बाद में मेरा जो करना है वो कर लो. अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट का एक न्यूज चैनल उन्होंने बैन किया था, टोकन बैन था वो, उस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, मुंह बंद करके तो बातें आप बंद नहीं कर सकते ना, तो वो तो मतलब वो सही नहीं है. चैनल बंद करके या कुछ ऐसे होता नहीं है, लेकिन वैसे भी तो फिर मीडिया की भी तो जिम्मेदारी है. जब मेरा मुंह है, मैं कहता हूं कि लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे जहन में जो भी आएगा मैं करूं. तो मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है, मुझे अपनी खुद ने लगानी है ना, उसके लिए कोई नियम और कायदा होने की जरूरत नहीं है. तू जब रस्ते पे चलता है तो तेरे अपने कानून नियम तो अपने को लगाता है ना. मुझे लगता है कि ये ऐसी कोई बेहुदा बातें घटती है रस्ते पे लड़कियों के बारे में, तो मैं होता हूँ जब मैं नाना क्या करेगा तो मैं जाके उसका सर तोड़ दूंगा जो ऐसी बेहुदा हरकतें करती है. तो ये मेरी जिम्मेदारी, शायद उस वक्त उसके हाथ में चाकू होगा, गन होगी, तो मुझे मालूम नहीं, मुझे इंजरी होगी, लेकिन मैं तो जाके उसको लपेट लूंगा यार. मैं चुप नहीं बैठता, क्योंकि मैं भाई हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, और मेरी माँ है, बहन है, बीवी है, बच्ची है. तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि रस्ते पे किसी भी औरत का अगर कोई कुछ, तो मुझे लगता है कि पुलिस भी उसके लिए ऑब्जेक्शन ना ले, क्योंकि मेरी वो जिम्मेदारी बनती है और मैं नपुंसक बन के जीना नहीं चाहूँगा.